अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। हमारी दुआ है इंशाअल्लाह परवरदिगार आलम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को सदके से तमाम दुआएं, तमाम इबादत, कुरान की तिलावत, तमाम चीज़ें जो हमने माह मुबारक रमजान में अंजाम दी हैं कार खैर और अपने आखिरत के लिए परवरदिगार से कबूलियत के दर्जे इनायत फरमाए। इंशाअल्लाह हमेशा की तरह आपकी खिदमत में चंद हदीसें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पहले पेश करूं, उसके बाद फिर आपकी खिदमत में आगे के मराहिल तय करता हूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इशारा फरमाते हैं कि बुका अल उयून, कहते हैं बुका अल उयून व खशियतुल कुलूब रहमतुन मिन अल्लाह, आँखों से आंसू आना अल्लाह के लिए, व खशियतुल कुलूब दिलों का डरना खौफ करना अल्लाह के लिए, ये रहमत है अल्लाह की तरफ से। बहुत से जिस्मी इलाज का नाम है आंखों से आंसू आना। दिल जिसका नर्म होता है वो अपनी फैमिली के साथ भी नर्म होता है, अपने खानदान के साथ, अपने माशरे के साथ भी नर्म होता है, और जिसका दिल सख्त होता है वो किसी के लिए भी रहमत नहीं होता है, हमेशा के लिए जहमत होता है। इंसान जब आता है तब भी रोता है और तमाम के तमाम लोग हंसते हैं, जब जाता है तो सब रोता है, वो चुप रहता है। तो ये रोना जो है ये खुद एक बहुत बड़ी नेमत है। कहते हैं बहुत से लोग हमारे कौम के सिलसिले में इतराज़ करते हैं कि कौम रोने वाली है, इस साल का आगाज में इस्लामी साल मुहर्रम से मनहूस कर देते हैं। तो मैं उनसे जवाब दूंगा कि आप जब पैदा हुए थे ज़रा पूछें अपने घर वालों से, आप हंस रहे थे या रो रहे थे? अगर हंस रहे थे तो फिर आप भूत पलीत हैं, और अगर चुप थे तो फिर मुर्दा हैं, क्योंकि जो बच्चे रोते नहीं उनको डॉक्टर मार के रुलाते हैं। तो अगर जो बच्चा रोने लगता है तो सब घर वाले खुश हो जाते हैं, जिंदा है। तो अगर एक बच्चा रोए तो वो जिंदा है, और अगर एक कौम रोए तो कौम जिंदा है, जो कौम ना रोए वो मुर्दा है, जिसमें एतबार से चल रही है फिर रही है। बहुत से लोग इमाम हुसैन के ऊपर रोना चाहते हैं, मगर मिसाल के तौर के ऊपर कुछ ऐसे हरकत सकनात उन्होंने किए हैं कि उनके आंसुओं को छीन लिया जाता है और वो तड़पते हैं रोने के लिए मगर वो तड़प नहीं पाते। बन बका अल हुसैन वजबतुल जन्ना, इमाम हुसैन के ऊपर जो रोए उसके भी जन्नत वाजिब है। तो एक मरतबा खशियत इलाही के लिए रोए, परवरदिगार आलम से बहुत गुनाह हो गया है, हम बहुत शर्मिंदा हैं, ए परवरदिगार आलम तू अरहमुर रहीमीन है। कभी अकेले में जाके अल्लाह से बातें करें, सजदे में जाके रोए। बहुत से बड़े बड़े औरफा इतना रोते थे अपने माजियों को याद करके कि उनके पूरा सामने का फर्श जना भीग जाता था आंसुओं से। तो ये इमाम हुसैन उस तरफ इशारा कर रहे हैं, खसरत सफ़तो अब्दिन लम तजअल लहू मिन हुब्बिक नसीबा, कहें अगर तेरी मोहब्बत के सबब ए परवरदिगार आलम किसी ने अगर फ़ायदा ना उठाया तो फिर उसने नुकसान किया है, बहुत बड़ा नुकसान किया है। इसलिए अल्लाह की मोहब्बत ये है कि हम अल्लाह से करीब हों, और एक मरतब से याद रखें जो भी काम हमारा इनमे मासूमीन ने अंजाम दिया है सब अल्लाह के लिए अंजाम दिया, वरना ये तलवारें किसके लिए चलती थी? मरहब मौला कायनात का पर्सनली दुश्मन नहीं था, उमर इब्ने अब्दबत पर्सनली दुश्मन नहीं था, वो सब अल्लाह के दुश्मन थे। जो भी अल्लाह का दुश्मन होता था उसको मौला कायनात मारते थे जंग के मैदान में। तो फिर गदीर में जो वो शख्स आया जिसके ऊपर पत्थर नाजिल हुआ था, आप हजरात जानते हैं नोमान, आसिफ नोमान जो आया था मौला कायनात का दुश्मन था और वो नहीं मान रहा था, तो उसके बाद ऊँट के करीब गया, पत्थर उसके सर के ऊपर गिरा, और तमाम रिवायत आपकी खिदमत है, हारिस इब्न नोमान फहरी, पत्थर गिरा और वो मर गया। तो दुश्मन किसका था? वो अल्लाह को मानता था, रसूल को मानता था, मौला अली का दुश्मन। मारा किसने? अल्लाह ने। खैबर खंदा गुआत में दुश्मन किसके आ रहे थे? अल्लाह के। मारा कौन? अली। यानी मौला अली और अल्लाह में ये पैक्ट हो गया है, आप मेरे दुश्मन को मारें, हम आपके दुश्मन को मारेंगे। अब करो अल्लाह अल्लाह और अहले बैत की दुश्मनी करो, मौला कहना की दुश्मन को अल्लाह ही मारेगा। उसके बाद फिर इमाम हुसैन की तीसरी हदीस जब खिदमत में पेश करो, मा खलकल्लाहु मिन शैइन इल्ला वलहु तस्बीहु यहमदु बिही रब्बुह,
कहते हैं कि कोई भी चीज़ अल्लाह ने ऐसी खल्क नहीं की है कि जो अल्लाह की तस्बीह ना कर रही हो। कायनात में हर चीज़ तस्बीह कर रही है। सूरज का चलना क्या समझ रहे हैं आप? ये तस्बीह है। ये समंदरों की लहरें क्या है? ये अल्लाह की तस्बीह है। ये दरख्त के पत्ते का क्यों हिल रहे? ये अल्लाह की तस्बीह है। ये चरिंद परिंद निसार अपने पर क्यों फड़फड़ा रही है? अल्लाह की तस्बीह है। ये बादल क्यों इधर से उधर जा रही है? अल्लाह की तस्बीह है। ये दरख्त क्यों बड़े हो रहे हैं? ये अल्लाह की तस्बीह है। जो भी चीज़ अल्लाह ने पैदा की है परवरदिगार आलम की तरफ से, ये तस्बीह इलाही है जो अंजाम दे रही होती हम नहीं समझ पाते हैं। मगर हाँ, वो जो मुहिबान खुदा होते हैं, जो मुहिबान रसूल होते हैं, जिनको ये तौफीक शामिल हाल हो जाती है कि इल्म तुयूर परिंदों का इल्म, इल्म अजसाम जिस्मों का इल्म, जब इन जैसे नेमतों से सरफराज इंसान हो जाता है तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो समझने लगता है इन परिंदों की बातों को, तो फिर एक बड़ा मज़ा आता है, बड़ा मामला होता है। आप एक मतलब स्वादी में जाएं तो फिर आप अकेले भी रहेंगे ना, तो आप अकेले अपने को महसूस नहीं करेंगे, अल्लाह है साथ में, बस बात बहुत है। आइए आज कुरान मजीद की हर दिन हम एक सूरह के सिलसिले से तारुफ करवाते और उस सूरह के अंदर में जो कुछ नेमतें आइम्मे मासूमीन ने फरमाई है हम मोमिनीन मोमिनात के लिए आपकी खिदमत में निकाल के रखते हैं और उसका फ़ायदा क्या है। अल वल फज्र जो सूरह है उसका पढ़ने का सवाब क्या है? कहते हैं छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं اقرؤوا سورة الفجر في فرائضكم ونوافلكم فإن سورة للحسين بن علي عليه السلام। छठे इमाम ने इरशाद फरमाया है कि जहाँ तक हो सके मुमकिन सूरह फज्र की तिलावत किया करो, वाजिब नमाजों में या नाफिला की नमाजों में। क्यों? فإنها سورة, ये वो सूरह है, للحسين بن علي, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए ये सूरह, ये उनसे मंसूब है जो नाजिल हुआ अल्लाह की तरफ से। मन क़रअहा, जो उसकी क़िरात करेगा, फ़काना मअल हुसैन, ऐसा होगा कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ होगा। मअल हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम यौमल क़यामा, क़यामत के दिन, फ़ी दरजत मिन अल्जन्ना इन्नल्लाह अज़ीज़ुल हकीम। इमाम हुसैन जहाँ पर होंगे अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ साथ रहने की तौफीक शामिल हाल हो जाएगी। इन्नल्लाह अज़ीज़ुल हकीम, बेहतरीन दोस्त रखने वाला, बेहतरीन हिकमत वाला मेरा परवरदिगार आलम है। ये किसने रिवायत दी है? ये छठे इमाम ने दी है। इन सूरों को इन रिवायत के सुनने के बाद जब आप तिलावत करेंगे या करेंगी तो फिर एक अलग मजा आएगा, एक अलग तोहफा मिलेगा। बहुत बड़ा सूरा नहीं है, शायद मेरा ख्याल दो मिनट में तमाम हो जाएगा। आप इसको इंशाल्लाह पढ़ने की कोशिश करें और फिर इंशाल्लाह इसका फ़ायदा आपको खुद ब खुद नज़र आएगा। तीसरी हदीस जो इस सिलसिले में बयान हुई है, रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया मन क़रअहा वह सूरा ग़फ़रल्लाह लहू बिअदद मन क़रअहा। कहते हैं कि जो भी क़िरात करेगा सूरह अल फज्र वल फज्र की तो परवरदिगार माफ़ कर देगा उसके लिए तमाम वो गुनाह जो अदद में हैं। किसके? जितने लोगों ने इसकी तिलावत की है, करोड़ों लोगों ने तिलावत की है, खरबों लोगों ने तिलावत की है, तो उन खरबों लोगों के बराबर परवरदिगार आलम आपके गुनाह को माफ़ कर देते। खरब गुनाह भी अगर आपके नाम है हमारे में वह जाला लहू नूरन, और परवरदिगार आलम करार देगा नूर, यौमुल क़यामा आपके सामने एक नूर आ जाएगा। من كتبها وألفها على وسطه وجامع زوجته حلالا رزقه الله ولدا ذكرا قرة عين। इसका मफहूमी तर्जुमा आपके इरशाद फरमाया कि वो लोग जो चाहते हैं कि उनके यहाँ लड़का पैदा हो, यानी जो एक मुहावरे में है कि मिसल नस्ल चलेगी वगैरह वगैरह, तो उसको चाहिए कि ये सूरह फज्र अपने साथ रखे तावीज़ की शक्ल में ताकि वो नजासत से दूर रहे, इंशाअल्लाह उसके यहाँ लड़का पैदा होगा। ये रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया है। ये सूरह फज्र की पढ़ने की बेहतरीन जनाब वाला जो है बहुत से फ़वाद में से ये भी एक फ़ायदा है। उसके बाद खिदमत में आपके अर्ज़ करूँ कि वल फज्र हुआ क़ाइम, छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं फज्र से मुराद क़ायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम है,
कि जिस वक्त उनका जुहूर होगा वो भी फज्र का वक्त होगा, इसलिए यहाँ पर फज्र का नाम याद लिया गया है। अल्लाहु अकबर। जिस दिन से तमाम मोमिनीन की तमाम परेशानियाँ दूर होंगी वो दिन हमारा ईद का दिन होगा, दुश्मनान अहल बैत का वो दिन गम का दिन होगा। बहुत जुल्म कर दिया अहल बैत के चाहने वालों के ऊपर, अब उन आंसुओं के से पूछिए कि जो हज़ारा बिरादरी के लिए निकले, बेचारे लोगों को सिर्फ इसलिए मारा जा रहा है ढूंढ ढूंढ के अफगानिस्तान में पाकिस्तान में, चूंकि मुहिबान अहल बैत हैं। तो ये सब क्या दुनिया में लोगों को भुगतना नहीं पड़ेगा? कुरान मजीद ने कहा कि अगर आपने शर किया फमैयामन इसका ज़रूरत नहीं, शर नहीं यार आपको देखना पड़ेगा, इंशाल्लाह दुश्मनान अहल बैत देखेंगे। आइए आप उस दुआ की तरफ चलता हूँ खुलासे के तौर के ऊपर आपकी खिदमत में बयान कर। अल्लाहुम्मा मारफ्तना मिन अल्हक, ऐ मेरे परवरदिगार आलम जिस हक को तूने हमें मारफत करवाई, बेशक अगर उसकी तौफीक शामिल हाल ना होती तो क्या हम अहलुल बैत को पहुँच पाते? कितने दुनिया में है अंधेरे में, कोशिश भी वो नहीं करते, सब कुछ अब तो नेट के जरिए से जाहिर हो गया, तब भी नहीं पहचान पाते, तब भी दुश्मनी करते। अजीब बात, एक तरफ मिट्टी और एक तरफ हीरा है। लोग मिट्टी को मान लेते हैं, पत्थर को मान लेते हैं, उस हीरो को छोड़ देते हैं। वो 14 मासूमी जिनके जिस्म पर गुनाह का धब्बा नहीं है, जिनके पास इल्मी इल्म है, उनको छोड़कर उन जाहिलों के पास जाते हैं जिनकी बख्शिश के लिए दुआ करनी पड़ती है। परवरदिगार आलम से राजी हो जाए, वह मिलना उसके तहम्मुल की तौफीक दी है, वह मकासूर ना अनहो, जिससे हमने हम कासिर थे, बेशक हम कासिर थे, फबल्लिगना उस तक तूने परवाह हमको पहुंचाया है, बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाहुम्मा बेही शासन, ए महबूब इसके जरिए से हम बिखरों को जमा कर दे, वश अब बेही सदाना, हम बहुत बिखर चुके हैं, बहुत ग्रुप में तब्दील हो चुके हैं, ये ग्रुप वो ग्रुप वो ग्रुप, हम शियों की बात कर रहे हैं, हम दूसरों की बात नहीं कर रहे हैं, ये उस ग्रुप का, ये उस ग्रुप का, ये उस ग्रुप का, वाहिद एक रास्ता है इस वक्त बचने का, अगर आप शिया हैं मुहिब्बान अहले बैत हैं तो सिर्फ और सिर्फ इमाम ज़माना की फ़ज़ाइल बयान करें, वो भी आलिम के ज़रिए से, जो अहले इल्म है उनके ज़रिए से, और कोई फजीलत नहीं इधर उधर की। कोई भी जाकिर आलिम आपके दरमियान में हो तो आप उनसे कहें कि इमाम ज़माना की मारिफत हमें करवाइए, इमाम ज़माना के ज़ुहूर की आलामत बयान करें, उनके आने के पहले के हालात बयान करें, उनके आने के बाद के हालात बयान करें। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त नेट पर किताबें और बहुत सी चीज़ें इस भरी हुई हैं, मोमिनीन तक पहुँचाएँ, यही रास्ता है इस वक्त फितने से दूर होने का, जो बिखरे हुए हैं। यह है रिवायत में कि आखिरी ज़माने में बहुत लोग एक दूसरे से बिखर जाएंगे। कुछ कुछ लोग हमारे दोस्त हैं, मैं बॉम्बे की बात बता रहा हूँ, कि तकरीबन अगर उस कॉलोनी में, उस बिल्डिंग में, उस टावर में अगर कोई शिया आता है तो कुछ ऐसे लोग जख्म खाए हुए हैं को फौरन वो टावर को छोड़ कर भाग जाते हैं। अगर कोई किराएदार भी अगर आता है तो वो वहाँ पर नहीं रुकते, बल्कि वहाँ से निकल लेते किसी दूसरी जगह पर जहाँ पर एक मौजूद ना हो शिया, जबकि वो खुद शिया है। दोस्तों अजीजों, ये एक बड़ी बात है। क्यों? इसलिए कि बहुत से लोगों ने बड़ी तकरीबन मैंने जख्म खाए तो बिखरे हुए हैं, तो बिखरने का जो था वो शैतान ने अपना काम किया, अब एक मर्तबा जुटने का काम जो है वो इमाम ज़माना की मारिफत के जरिए से हो सकता है, और यही एक रास्ता है। रिवायत में है कि जब आखिरी ज़माने में ऐसा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इमाम ज़माना का जिक्र किया जाए, तब आप बच सकते हैं। वरतुक बिही फतह करना, और इसके ज़रिए से हमारे झगड़े ख़त्म करते परवरदिगार, बेशक हमारी परेशानियाँ दूर होंगी, हमारे झगड़े दूर होंगे इनके ज़रिए से, अगर हमने अगर ये इस काम को अंजाम दिया। वह कसर भी किल्लत न, परवरदिगार हमारी बहुत मुख्तसर से हम लोग हैं इस दुनिया में, अक्सर जगह पर हम माइनॉरिटी में, हमें मेजोरिटी में कर दे। वाजिज भी ज़िल्लत न, परवरदिगार हमारी ज़िल्लत को, हमारी ज़िल्लत को इज्जत में बदल दे। जहाँ जहाँ भी हमारे तरफ से हमारे लिए कुछ इस टाइप से हो रहा है तो हमारे इज़्ज़त का सबब करार दे। वक़्त ने बही आइल ना, परवरदिगार इनके ज़रिए से हमारे नादार को तवंगर बना दे। परवरदिगार आलम बहुत से लोग इस वक्त गुर्बत के सबब से, तंग दस्ती के सबब से इस्लाम से दूर हो रहे हैं, दीन से दूर हो रहे हैं,
ऐ परवरदिगार इमाम ज़माना के सदक़े से हमारी इस गुरबत को दूर करके तवंगरी ये इतना पैसा दे दे ताकि हम इज्जत की ज़िंदगी गुजार सकें। इमाम ज़माना के तसद्दुक से मांगे। इस दुआ इफ्तिताह में ये राज खोला जा रहा है, ये बताया जा रहा है, ये कुंजियाँ, ये ज़रिया है, इनके ज़रिए से भी इतने बड़े बड़े मराहिल हल हुए कि दुनिया हैरान है, परेशान है। 84 कंट्री के मिल के लोग आए थे सीरिया में। अब जरा सोचिए 84 कंट्री का मतलब क्या, वो पूरी दुनिया एक तरफ हो गई। किसके लिए आए थे? सीरिया के लिए आए थे। छोटा सा ग्रुप सामने आया हिजबुल्ला का, और एक ग्रुप आया मिसाल के तौर फातिमियों का वगैरह वगैरह। कोई कंट्री, बड़ी कंट्री नहीं आई, बहुत बड़ी कंट्री नहीं आई, क्योंकि पूरी पूरी फौज उतरी हो कंट्री की उन दाइशियों से मुकाबला करने। कैसे वासिल जहन्नुम, कैसे नाबूद हो गए, कैसे ख़त्म हो गए वो, जबकि वो ओबामा कहते थे 40 साल रहेंगे। जब इन ग्रुपों ने इमाम ज़माना की मदद मांगी, इमाम ज़माना से मदद चाही, तो फिर इमाम ज़माना ने ऐसी मदद की कि दुनिया आज तक हैरान है कि कैसे मुमकिन है कि हम लोग सब एक तरफ हुए। यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड अरब, पूरा यूरोप, अमेरिका, ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलिया, ये सब के सब, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड कोर्ट, सब ह्यूमन राइट्स, सब एक तरफ हो गए दाइश की हिमायत में। ज़ाहिरी तौर पर होगा, दो चार जुमले के बोलते होगा, सब हिमायत में खड़े हुए थे। 84 कंट्री खेल नहीं है, पूरे अरब जितने पैसे वाले, उन्होंने उंडेल दिया अपना पैसा, मगर फिर ये सब तबाह बर्बाद हो गए। कैसे हो गए? ये मदद इमाम ज़माना की। वजबूर बिही फ़खरन, और हमारे इस फ़ख्र को दूर फरमा दे। वसुद्द बिही खल्लतना, और हमारी हाजत परवरदिगार आलम पूरी फरमा दे। वयस्सिर बिही उसरन, परवरदिगार हमारी तंग दस्ती को दूर फरमा दे। इमाम ज़माने के ज़रिए से इंशाल्लाह आप दुआ मांगे और आपकी दुआ पूरी होगी। हम अब आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। इंशाल्लाह इन मराहिल को बड़े सुकून से सुने, तो शायद हो सकता है किसी एक के भी दिल में अगर मेरी बात उतर जाए तो मैं अपने आप को कामयाब महसूस करूँगा। इंशाल्लाह हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। इमाम ज़माना जल्लाह ताला फरज शरीफ आपकी हिफाजत करने वाले हैं, अपने अपने मोमिनीन का, अपने इर्द गिर्द के लोगों का, अपने अहल वयाल का, और जितने मोमिनीन मोमिनात हैं दुनिया में उन लोग के लिए दुआएं करें। और आखिरी माह मुबारक रमज़ान है, अपने उन मरहूमीन को जिक्र करें कि जिनको याद करने वाला इस वक्त कोई नहीं है, उनके लिए कुरान मजीद की तिलावत करें, अगर हो सके तो इंशाल्लाह उनके लिए कार खैर करें, किसी की मदद करें, किसी को खुश करें। चूँकि माह मुबारक रमज़ान में परवरदिगार आलम कितना इनायत करता है किसी एक कार खैर के लिए, हम और आप सोच भी नहीं सकते कि परवरदिगार आलम क्या क्या इनायत कर देता है। तो इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें, दुआ में याद। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।